नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शिशि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है, प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों को लुभाने में, उनसे जाके बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतास के नोखा प्रखंड के कुरी पंचायत के दो बार मुखिया रहे जितेंद्र कुमार सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के नोखा प्रखंड की, तो छठे चरण में 3 नवंबर को यहां पर मतदान होना है। ऐसे में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपना नामांकन कराने के बाद दमखम लगाने में जुट चुके हैं, और हमारे साथ यहां पर जो है टेम्पू छापिंग का चुनाव चिन्ह है जितेंद्र कुमार सिंह है, और यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कराकर चुनावी समर में उतर चुके हैं। और बात करें इनके बारे में, तो इनकी पत्नी जो है 2006 से 2011 तक मुखिया रही, बीच में गैप रहा, लेकिन अब गैप को पाटने के लिए चुनावी मैदान में खुद उतर चुके हैं। सर, सबसे पहले डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, क्या कुछ एजेंडा लेकर आप उतरे हैं, जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? चुनाव में उतरे हैं, वर्तमान में तो मुखिया हैं अभी फिलहाल जी, अभी चुनाव में उतरे हुए हैं। 90% कार्य हो चुका है, बाकी कार्य शेष जो बचा हुआ है उसको हम जीतने के बाद पूरा करेंगे। कैसा कार्यकाल रहा आपका 5 वर्ष? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे पंचायत में नल जल, नली गली, वृद्धा पेंशन, नरेगा से संबंधित योजनाएं जो भी है, वृक्षारोपण से लेकर पोखरा खुदाई तक, कड़ा खुदाई तक, सभी कार्य हम पूरा किए हैं। सवाल आपसे करेंगे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, 2 वर्षों से जो है देश में ग्रसित लोग हुए, मजदूरों का पलायन जारी रहा पंचायत क्षेत्र में, ऐसे में जितने भी मजदूर आपके पंचायत क्षेत्र में आए, आपने उन लोगों के लिए क्या कुछ किया? उनको हम काम दिए, और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो भी स्कीम थी उनको भोजन कराना, अभी बगल में आपका विद्यालय है वहाँ केंद्र बना हुआ था, पंचायत में हर विद्यालय में केंद्र बना हुआ था, हम लोग उन लोगों को भोजन कराए, जो व्यवस्था सरकार के माध्यम से दिया गया था हमने पूरा किया। और नरेगा को खासकर कोरोना पीरियड में हमारे यहाँ कम से कम 50 लाख से ज्यादा का कार्य हुआ जी। एक सवाल आपसे लेंगे कि शिक्षा को लेकर बड़ी समस्या रही है, सरकारी विद्यालयों की बात करें तो सरकारी विद्यालयों में जो है अमूमन जो है आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पाती है, महरूम हो जाते हैं बच्चे, जो है उस शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, ऐसे में शहरों में या अन्य प्राइवेट विद्यालयों में भेजना पड़ता है, तो ऐसे में आप मुखिया रहे तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कुछ किया? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति है, अभी बगल में विद्यालय है, यहाँ हमको लगता है कि 500 से 600 बच्चे हैं करीब जी जी, हमारे मझियाँव ग्राम में, और मियारी हाई स्कूल है। हमारे पंचायत में शिक्षा की स्थिति बहुत ही बेहतर है जी। बात कर ले पंचायत सरकार भवन की, पंचायत सरकार भवन में पंचायती राज मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि 15 अगस्त से वहां पर जो है आरटीपीएस काउंटर संचालित होंगे, ताकि जो प्रखंड की दूरी होती है अमूमन दूर होती है, वहां दूरी जाने में काफ़ी लोगों को समय व्यतीत होता है, ऐसे में आपके क्षेत्र में क्या स्थिति रही? हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन अभी बना नहीं है जी, पंचायत भवन है पुराना, उसमें आरटीपीएस काउंटर बहुत पहले से ही खुला हुआ है, संचालित हो रहा है जी, कार्यपालक सहायक कहता है अपना कार्य। अब बात कर लेंगे, रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है, इसमें किसानों को लेकर आपने क्या कुछ किया? किसान के लिए हमारे द्वारा हमारे माध्यम से जो भी है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत जो पैसा मिलता है उसमें हमारा बहुत सारा सहयोग रहा। इस बार यदि जनता के द्वारा आपको चुन लिया जाता है तो क्या कुछ कर पाएंगे आगे? बचे हुए सरकार की शेष जो कार्य है, सरकार के नियम के अनुसार हम लोग चलते हैं, जो वहाँ से हम लोग का नियमा अनुसार जो होता है कि यही कार्य करना है, पैसा आता है उसके साथ एक चिट्ठी आता है कि आपको यही कार्य करना है जी जी। तो हमको लगता है कि बिहार सरकार की सबसे पहली स्कीम है कि हर गांव में हर वार्ड में 20 स्ट्रीट लाइट देना है, तो हम अगर पहला जीतते हैं तो पहला कार्य मेरा स्ट्रीट लाइट है। जिले में हम लोग का पंचायत दूसरा स्थान पे था जी, पहले संजौली ब्लॉक हुआ था जी, दूसरा में आपको नोखा ब्लॉक हुआ जी, और उस ODF के तहत हम लोग जो कार्य किए, हम लोग को 7 नीचे में विशेष राशि मिला था 9 पंचायत का नोखा ब्लॉक में, जिसमें मेरा पंचायत पूरी भी था। इस बार क्या लगता है कि इतिहास दोहरा पाएंगे आप? 100% पब्लिक है, लोगों में समर्थन मिल रहा है 100%, जनता मेरे कार्यों से खुश है लोग जी। जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से यही अपील है कि जो सही है उसको चुने, अगर हमसे बेहतर कोई है उसको चुनिए, नहीं तो हम अपने कार्य से संतुष्ट हैं, हमारे कार्य से आप संतुष्ट हैं। जितेंद्र जी, तीसरी बार चुनाव मैदान में, कैसा व्यक्तित्व रहा, कैसा कार्यकाल रहा? बहुत अच्छा। क्या लगता है इस बार? इस बार हमारा तो बुझाता है कि 100% कभी 100% कार्य किए हैं, संतुष्ट है कार्यों से। नाम बताइए अपना। धनंजय प्रसाद सिंह।
तौर पर जितेंद्र सिंह को किस तरीके से देखते हैं, कैसा कार्यकाल रहा इनका? क्या कार्यकाल, मैं पहले बता दूं कि बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि हम लोग क्वारंटाइन में भी थे तो बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा था, व्यवस्था अच्छा था रहने के लिए, पूरा के लिए, सारे लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा। मतलब अपेक्षा है कि आगे कार्य करेंगे? बहुत 100%। इस बार क्या लगता है? इस बार तो हमारे पब्लिक का बहुत मतलब 100% है। नाम बताइए? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश कुमार है, ग्राम मझिया से। चुनावी मैदान में जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह 5 साल में तो बहुत अच्छे काम किए, जो हम लोग का पंचायत में 7 गांव है, इतना काम किए हैं कि हमारे जनता खुश है। अपेक्षा है कार्य करने की? एकदम बिल्कुल, और जो भी थोड़ा सा छोटा उटा काम है वो करने के लिए तैयार है। समर्थन मिल रहा है इस बार? एकदम पूर्ण बहुमत। नाम बताइए? मंजीत सिंह। ये थे हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र सिंह, जो कि बीते 5 साल भी मुखिया रहे और दूसरी बार जो है चुनावी मैदान में है, और इनकी पत्नी 2006 से 11 तक मुखिया रही। अब देखना यह होगा क्या इतिहास दोहरा पाते हैं, ये तो जनता का निर्णय ही साबित होगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ डी टीवी भारत के लिए रोहतास के कुरी पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।